हमारे पास अब जो लाइट और डार्क रिएक्शन के बाद जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच सब एक कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट हर ईयर ज़रूर आता है वो है पेज नंबर आपके पास मौजूद है बुक में 137 से ये चैप्टर में चार एक्सपेरिमेंट्स हैं वन बाय वन। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त लेक्चर पे फोकस करिएगा, एवरीथिंग इज़ रिटन इन द बुक। आप इस चैप्टर को समझिए, इस टॉपिक को समझिए, एक्सपेरिमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकें। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन द बुक, लेकिन समझने वाली चीज़ है ये चारों एक्सपेरिमेंट्स में से ज़रूर कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आता है हर साल, लिहाजा इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। अभी हमने प्रीवियसली ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि विदाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड विदाउट वाटर विदाउट क्लोरोफिल द प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट और द ग्लूकोज। तो ये चीज़ें अभी हमें प्रूव करनी है कि आप वाकई क्लोरोफिल की मौजूदगी प्लांट्स के फूड प्रोडक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अहम रोल प्ले करती है या नहीं करती है। इस ये है एक्सपेरिमेंट नंबर वन, दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आपने इस तरह की लीव, अच्छा किसी भी लीव में से क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है अनटिल अनलेस इट इज़ किल्ड। सो ऐसे लीव जिसमें पैचेस में कभी कभी आपने इस तरह लीव देखे होंगे ना कि लीव जो है वो बाज़ाख़त फुल ग्रीन नहीं होता बल्कि उसमें कुछ ब्राउन सा या कुछ ऐसा ग्रेज सा मटेरियल डेवलप हो जाता है, यानी उस हिस्से से क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, यानी किसी भी अंदरूनी किसी भी इनकम्प्लीट फैक्टर्स की वजह से या किसी भी इम्प्रॉपर उसको एडुकेट पूरा नहीं मिल रहा प्रोसेस जिसकी वजह से उसका लीव जो है वो क्लोरोफिल से थोड़ा सा डिप्राइव्ड हो गया है, ख़त्म हो गया उस हिस्से में, दैट टाइप ऑफ लीव इज़ कॉल्ड एज द वेरिजेटेड लीव। ठीक है, ऐसा लीव जिस जो कि पूरा ग्रीन ना हो बल्कि उसमें मुख्तलिफ पैचेस में डिफरेंट और कलर्स भी नज़र आ रहे हों, दैट टाइप ऑफ लीव इज़ कॉल्ड एज द वेरिजेटेड लीव। लिहाजा ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया उन्होंने ये मालूम करने के लिए कि वाकई क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लीव्स में से क्लोरोफिल रिमूव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसके अपने ही किसी भी वजह से प्लांट लीव्स में क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो गया हो। ऐसा लीव कहलाता है वेरिजेटेड लीव जिसमें से उसके पास पैचेस मौजूद हैं, यानी कुछ हिस्से जो हैं वो उसके ग्रीन है प्रॉपर। उसके ग्रीन किस कलर को शो कर रहा होता है कि इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, और अगर उसके दूसरे हिस्से जो है ब्राउन वाइट या किसी और ग्रेश कलर के हो गए हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ से क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है। अच्छा, इस तरह का प्रोडक्ट प्लांट सेलेक्ट किया गया और उसे 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रखा गया ताकि जितना भी इसका स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाए, नया कोई स्टार्च नहीं बन रहा बल्कि जितना भी स्टार्च है वो अपने जो प्रिपेयर्ड फूड हुआ हुआ है उसका पहले से उसको वो इस्तेमाल कर लेता है। डार्क में रखने के बाद उसको वापस लाइट में या सूरज की रोशनी में उसको वापस से यूटिलाइज़ किया जाएगा, दोबारा से उसको रखा जाता है। अब क्या होगा, जब सूरज की रोशनी उसको मिलेगी तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके कुछ घंटों के बाद ये एक ऐसा लीव सेलेक्ट किया गया जिसमें जो वेरिजेटेड है यानी जिसमें पैचेस में ग्रीन कलर्स मौजूद हैं, फुल लीव ग्रीन नहीं है बल्कि डिफरेंट कलर्स और भी मौजूद हैं। अच्छा, जो ग्रीन होगा मौजूद वो किसको शो कर रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ क्लोरोफिल मौजूद है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया 3-4 घंटे के बाद, जब उसको हम इतना टाइम दिया गया कि एक प्रोसेस पूरा इतनी देर में वो अपने ग़ज़ा तैयार कर लेगा, उसके बाद ऐसे लीव्स के साथ उन्होंने किसके साथ रिएक्शन करवाया, स्टार्च सॉल्यूशन लिया। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन सॉरी आयोडीन सॉल्यूशन लिया। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जब वो स्टार्च के साथ मिलता है तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू कलर, अब देखें अगर ये आपके पास तरह का लीव है, लीव के स्ट्रक्चर में पैचेस मौजूद हैं, पैचेस का मतलब ये है कि जो वाइट हिस्सा है जब उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया तो वो ब्राउन हो गया। वाइट का मतलब ये था कि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जबकि वो हिस्सा जो ग्रीन था लीव्स का जब उसने आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया तो वो ब्लू कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे हिस्से में लीव्स के वो हिस्से जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है वहाँ पर स्टार्च बन गया, यानी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर फॉर्म जो है वो बन चुकी है। आयोडीन सॉल्यूशन सिर्फ उस वक्त ब्लू कलर देगा जब उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, स्टार्च के साथ, जबकि इस हिस्से में वाइट हिस्से थे ये जो पैचेस थे यहाँ पे स्टार्च नहीं बना,
स्टार्च क्यों नहीं बना, फूड क्यों नहीं बना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देयर वॉज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट. लिहाजा वो किस कलर में रहा, ब्राउन कलर में ही रहा वो वाइट कलर, जबकि जो ग्रीन हिस्सा था लीव्स का, जिसकी जो किसकी मौजूदगी को शो कर रहा था कि यहाँ पर कौन क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है. जब स्टार्च जब आयोडीन के सोल्यूशन ने इस ग्रीन कॉम्पोनेंट के साथ रिएक्शन किया तो ये हिस्सा इसका ब्लू हो गया. दैट वॉज इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और ये बात इस पास इससे ये बात साबित हुई कि क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए.